अरे वाह, आज तो सूप है। क्या बात है, ये अपनी उषा है ना, उसका हाथ में तो जादू है, जादू। जो भी बनाता है ना सुपर बना। सायरा बोल रही थी कि बच्चों को छुट्टियों में भेजेगी। अरे वाह, गुड न्यूज। तो एक काम करो, वो केबल वाला को बोल रहे हो कि कार्टून वार्टून टीवी पे चालू कर दे रहे, और हाँ इंटरनेट भी चालू करा दे। हाँ हाँ, जब आएंगे तब देखेंगे। वो केबल वाला को तू जानती है ना, आज बोलेगी तो 6 दिन बाद लगाएगा। नहीं तू फोन कर ही निकाले। हाँ हाँ कर दूंगी। लाइट को क्या हुआ? जरा जानी जानी जरा फ्यूज बॉक्स जानी। तभी शांति रखो नी, अभी जैसे जान आया। हाँ। लेकिन ऐसे कैसे हुआ? वो अपना इलेक्ट्रिशियन है ना, उसने इन्वर्टर कन्वर्टर कुछ बोलते हैं ना, वो लगाया है। हाँ, ये तो बराबर छे। पहला बार इतना साल में हुआ ना। फरजाद, हुआ होगा कुछ, तमें सूप पियो नी, ठंडो थे जैसे। हाँ, पियो छे। इन्वर्टर कन्वर्टर। गॉड, गॉड! क्या हुआ, क्या हुआ उषा, क्या हुआ, क्या मेम साहब का खून हो गया है? खून हो गया? अरे वो फरजाद भाई का है, वो देख नहीं रहे विष्णु बाबू? और मेरे साथ है, वो किधर है? वो रसोई के पीछे। ठीक है, मैं देखता हूँ। एक नारियल के बागान की मालकिन सीनियर सिटीजन मलीसा दिनशा व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाले अपने पति फरजाद दिनशा के साथ अपने घर में अकेली रहती थी। मलीसा और फरजाद का जोड़ा पूरे गांव में बहुत ही सभ्य, हेल्पफुल और मिलनसार माना जाता था, और अब किसी ने मलीसा की निर्दयी हत्या कर दी थी। इस हत्या का कारण क्या था और मलीसा का पति फरजाद कहाँ था? पर यह कोई और केस भी हो सकता है जिसमें चोरी भी की गई, या फिर चोरी जानबूझकर की गई हो असली कारण को छुपाने के लिए। ये टॉर्च मिली है लाश के पास से, इसे फिंगरप्रिंट्स के लिए भेज दो। जी सर। प्रकाश, अटैक शायद इन स्टेयर्स पे हुआ हो और लाश को घसीट के बाहर ले गया हो। ब्लड काफी सूख चुका है। इनकी मेड उषा का कहना है कि यहाँ के मालिक विक्टिम एलिसा के हस्बैंड फरजाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे। साहब, दूसरी लाश मिल गई। कहाँ? बंगले के पीछे। वॉकिंग स्टिक पर खून लगा है, शायद इन्हीं की वॉकिंग स्टिक से पीट पीट कर इनको मार डाला है। इसके फिंगरप्रिंट ले लो और लाश को ले जाओ। घर का कोना कोना छान मारा, कोई भी सुराग छूटना नहीं चाहिए।
सर मोबाइल का चार्जर है, टूटा हुआ सिम है, लेकिन मोबाइल फोन नहीं है। अटैकर ले गया होगा, यहीं सिम कार्ड चेंज किया और शायद फोन भी यहीं से किया। सर मैंने मलिसा और फरजाद के दामाद सौरभ से बात की, उसका कहना है कि मलिसा पे ज्यादातर गहने बैंक के लॉकर में रखे। घर में कैश था? सर दो तीन दिन पहले नारियल की खेती की इंस्टॉलमेंट आई थी, कैश 45,000 रुपये जो इसी लॉकर में रखे थे। इनसाइड जॉब लगता है सर। खुलेगा धीरे धीरे, सारा पिटारा खुलेगा। इशू बॉक्स खोलो। सर लगता फरजाद दिनशाह यहाँ बैठ के खाना खा रहे थे और ड्रिंक्स पी रहे थे, जब खूनी उनकी बीवी मलिसा को बाहर से मार के यहाँ अंदर आया, फरजाद को यहाँ मारा और उनकी बॉडी को उस रूम के बाहर फेंक दिया। लेकिन बॉडी को बाहर फेंकने का लॉजिक? फरजाद यहाँ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो फिर खूनी उन्हें यहाँ मारकर यहीं छोड़ा। ये दोनों चीजें झाड़ियों में मिली। सर लगता मर्डर वेपन है। पहली बार किसी पेपर कटर से मर्डर होते देख रहा हूं। प्रकाश उषा को पूछते हैं कि ये फोन किसने। ओए सर ये मेरे समय हम सब पे फोन है। माने तुम यही रहती हो? नहीं सर, पास के गांव में रहती हूँ। मेरी 12 घंटे की ड्यूटी होती है सर, सुबह 6 बजे आती हूँ, शाम को 6 बजे जाती हूँ। अब पता नहीं किसके लिए आऊंगी। तुम मेलिसा और फरसाद से आखिरी बार कब मिली थी? कल शाम को सर, रोज की तरह उनके लिए रात को खाना बनाया और 6:15 बजे घर के लिए निकल गई। हाँ क्या खुशबू है, लगता है उषा डिग्री ने चिकन बनाया। अरे उषा चिकन बनाया ना तुमने? हाँ सर, जैसा आपको पसंद है ना बिल्कुल वैसा ही बनाया है, अपने बाग का नारियल डाल के ही बनाया है। अरे वाह, तो आज डिनर में फर्स्ट क्लास जलसो। ए मुंह में पानी आ गया, एक पीस टेस्ट करने को मिलेगा? ना ना बिल्कुल ना, इतना मोटा हो गया है। जैसे तू साइज 0 की है ना, बात करती है। उषा फरजाद को अंदर लेके जा, मैं राउंड पे जाती हूँ। और रामू छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है, उसको बोल आने के लिए। स्टूपिड मैन, बोलती हूँ मैं सर। बाय बाय। चलिए सर। नहीं निकला, तुम जाते रहो बस। आए पक्का। ये मेलिसा भी दिल की बहुत अच्छी है। चलिए सर। जाओ जाओ। यही बैठकर टीवी देखते, मैम साहब पीछे बागीचे में चक्कर लगा कर आती, फिर दोनों खाना खाते, फिर सायरा दीदी मुंबई से फोन करती थी, उनसे बात होती और सो जाते। तुम्हारी मैम साहब रोज वॉक पे जाती थी? दर रोज साहब पीछे बाग के चक्कर लगाने जाती थी, कमर टूटने से पहले साहब पे जाते थे। कमर कैसे टूटी थी? नहाते वक्त गिर गए थे। उनकी बेटी सायरा रोज शाम को उन्हें फोन करती थी? साहब 15 दिन में एक बार सायरा दीदी और उनके मरद सौरभ मिलने भी आते थे। सर सायरा सौरभ अलग है। ये रामू कौन है जो गुस्सा है? ये गांव में रहता है साहब, वो बाग के नारियल उतारने का काम करता है, वो और उसके आदमी बाग के सारे नारियल उतारते हैं। गुस्सा क्यों? वो जास्ती पैसा मांग रहा था, नारियल उतारने का हिसाब भी जास्ती मांग रहा था। मैम साहब ने बोला भी कि वो अगले टाइम बढ़ा देगी, पर वो भड़क गए, कई दिन हो गए वो नारा उतारने नहीं आए। प्रकाश रबर उसके आदमी को उठा लो। सर उषा
आज सुबह एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैं रोज की तरह सुबह 6 बजे आई। उस दिन मैं आते ही सबसे पहले बाग में चली गई थी पानी चालू करने। मैडम ये दूध वाला किसना सुधरेगा नहीं। इसको किधर बार बोला है चिल्लाने का नहीं सुबह सुबह है फिर भी मानता नहीं है। मनीषा मैडम दिनसा से दीवा हनक्की किसनाशना हजार बार बोला है लेकिन इसको समझ में ही नहीं आता है पागल कहीं का। मैडम अरे से किसना चुप चुप बैठ। अरे चुप ना अक्कल है कि नहीं पता है ना साहिब और मेम साहिब सोए होंगे। ए उसे आले पकड़ तुम्हारे जैसे एक घर का गुलाम नहीं हूँ हम। 25 घर देखना होता है 25 घर से कमाई होती है हमारी और हमारा टाइम पैसा है पैसा और हमारा टाइम जो खराब करेगा ना तो हम ये काम समझे। अरे चल चल निकल निकल सकाई सकाई कटकट ले लेसी बड़ा आया नींद हराम करने वाला तेरी तो ना चर्बी उतारनी पड़ेगी अभी। हाँ मेरे पास भी एक चाबी होती मैं दरवाजा खोलकर अंदर गई हमेशा की तरह। मेम साहब को उठने दो इस किसना के बारे में आज फैसला लेना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि इतनी सुबह सुबह कौन फोन कर रहा है साहिब और मेम साहिब के मोबाइल पे फोन क्यों कर रहा है। मैं खुद फोन लेने जा ही रही थी कि कुछ भी करने की हालत में नहीं थी। क्या लाश देखने से पहले तुम्हारी हालत को क्या हुआ था? क्या मतलब साहब? तुम्हारे हिसाब से दूध का पैकेट लेकर तुम मेन डोर से ही आई फिर तुम पैकेट लेकर किचन के अंदर गई तुमने वहां पर दूध गर्म किया लेकिन तुम्हें ये टेबल नजर नहीं आई इस पर बिखरा हुआ सामान तुम्हें नजर नहीं आया वहां सीढ़ियों पर पड़े हुए खून के धब्बे तुम्हें दिखाई नहीं दिए। मैं जान सकता हूँ ऐसा क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? मैं वो दूध वाले किसना के बारे में सोच रही थी साहब गुस्सा थी उस पे बूढ़े लोगों को कोई इस तरह चिल्ला चिल्ला कर जगाता है क्या भला? बहुत फिक्र थी तुम्हें अपने साहब और मैडम के लिए। वो मेरे माँ बाप से भी बढ़कर थे और उस किसना ने उनके बारे में बुरा बोला था। उठा लो किसना सर। उषा ये जूते तुम्हारे साहब के? नहीं साहब इस डब्बे में तो साहब के नए जूते रहते थे मैं खुद पॉलिश मार के रखती थी हर महीने। तुम्हारा पति क्या करता है? मेरा पति? हाँ तुम्हारा पति कहीं ऐसा तो नहीं है कि जूते उसी के हो? क्या मर्डर का केस है मर्डर का सब पे डाउट जाता है। सर रोज रात को सोने से पहले मेरी मम्मा पापा के साथ बात होती थी विदाउट फेल। कल मम्मा का फोन नहीं आया तो मैंने ट्राई किया उनका सेलफोन और उनके लैंडलाइन कॉन्स्टेंटली बज रही थी और पापा का सेलफोन स्विच ऑफ आ रहा था। शायद उनका सेलफोन अटैकर ले गया। आपको कैसे पता एक ही अटैकर था? गैंग भी हो सकता है या फिर और लोग भी हो सकते हैं। I mean, और लोग भी हो सकते हैं राइट? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है मिस्टर सौरभ श्रॉफ। वैसे आप करते क्या? जी मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आप अकेली संतान हैं सायरा जी? जी इनफैक्ट मैं मम्मा पापा को हमेशा से कहती थी कि बहुत हो गया ये कोकोनट प्लांटेशन
अब सब कुछ बेच के आप हमारे पास मुंबई आ जाइए, पर वो सुनते ही नहीं थे। इतनी बड़ी जमीन थी, बेचते तो बहुत अच्छी कीमत मिलती। आई थिंक आप बिल्डर है नहीं? वैसे भी इलाके में आजकल बहुत सारे पुराने फार्म हाउस बेचे जा रहे हैं बिल्डर्स को। सर मम्मी पापा बेचना नहीं चाहते और हम उनके विशेष की रिस्पेक्ट करते थे। श्रोफ साहब कोई और था जो उनके विशेष की रिस्पेक्ट नहीं करता था? आई मीन वो जमीन खरीदना चाहता था जी? नहीं, कोई फैमिली दुश्मनी, पर्सनल दुश्मनी या ऐसा ही कुछ और? जी नहीं। सायरा जी, आपको किसी पर शक? जी नहीं सर, मेरे मम्मा पापा की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। वो लोग तो उस गांव में पिछले 50 सालों से रह रहे थे, इनफैक्ट सब लोगों की मदद करते थे वो। सायरा जी, आपको हमारे साथ क्राइम स्पॉट पर आना होगा और बताना होगा कि क्या क्या चोरी हुई, ताकि हम केस दर्ज करके तुरंत तहकीकात शुरू कर सकें और पता लगा सकें कि आपके पेरेंट्स की हत्या किसी एक आदमी ने की है कि किसी गैंग का काम है या फिर मामला कुछ और ही है। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमारी बात मानिए सर। तेरी सारी बात सुनेंगे। हेलो, ये बांध रहे हैं रामू, नीचे आ जा, आ जा। तू कर भी क्या सकती थी उषा, और हम भी क्या कर सकते, बस अब तो ये पता लगाना है कि किसने किया और क्यों किया। तिजोरी की चाबी हमेशा इसी में रखती थी, है ना उषा? मेरे को नहीं मालूम दीदी, मैम साहब ने मुझे कभी नहीं बताया, मेरे सामने कभी नहीं रखी। सर मेरी मम्मा की सोने की चेन, इयररिंग्स और वेडिंग रिंग, डैडी का सेलफोन और पार्टी शूज, और उनके लॉकर में से 60,000 कैश, अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है। उषा तुझे कुछ और सूझ रहा है? नहीं। कल पोस्टमार्टम के बाद आपको उनकी बॉडीज मिल जाएंगी, तब तक आप लोगों को यहीं रुकना होगा। मैं रुक सकूंगी, मेरे हस्बैंड को जाना होगा, बहुत बिजी रहते हैं। सर उनके बिजनेस में आजकल थोड़ी टेंशन चल रही है, इसलिए वो थोड़े डिस्टर्ब हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो केयर नहीं करते, आप प्लीज उन पर शक मत कीजिए। जब तक मैं असली खूनी को या फिर खूनियों को कोर्ट में पेश नहीं कर देता, तब तक मैं सब पर शक करूंगा, जहां तक कि आप पर भी। अरे नहीं नहीं साहब। क्यों नहीं? तू कह रहा है कि रात भर तू अपने घर पर, तो तेरी बीवी को बुलाकर पूछते हैं कि तू रात भर घर पर था? साहब हम अपने घर पर नहीं था, किसी और के घर पर था। अब आप समझ लीजिए साहब, हमने बीवी से कहा कि दोस्तों के साथ था रात भर, और सुबह आकर दूसरों की नींद हराम करने की धमकी देता है। बड़ा गुस्सा था तुझे मेलिसा और फरजाद पर? अरे नहीं साहब, उस सुबह हमारा पारा चढ़ा हुआ था, सुबह ही हमारी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था और दूध देने में हमें देरी हो रही थी। अब साहब हमारा दिनशा साहब के साथ कौन दुश्मन है? चल अपनी गर्लफ्रेंड का नाम और नंबर ले, और जब भी तुझे बुलाएंगे आना पड़ेगा। नाम और नंबर लिख दे, हम ना तेरी बीवी को बताएंगे ना उसके पति को, कोई शौक नहीं है हमें लोगों के घर पहुंचने। नेक्स्ट
तुम लोगों की बारी है। रामू, नारियल की फसल का तुझे एक बड़ा हिस्सा चाहिए था, है ना? हाँ सर, सबको चाहिए ना सर। पिछली फसल के 45,000 रुपए मिले थे मेलिसा को सर, लॉकर में रखे थे। आया हूँ सर, पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं मिला था। वो 45,000 रुपए कहाँ है रामू? साहब आपको क्या लगता है, माई और मेरा आदमी लोग ने मिलकर देशु मैडम और साहब का मर्डर किया और पैसा चुराया? मेलिसा के गले की चैन भी चुराई, उनके कान और एक उंगली भी काटी सेवर के। नहीं नहीं था, 3 दिन पहले माई और मेरा आदमी लोग हम लोग जाके बॉम्बे में बोरल पार्क में जाके नारियल निकाला था। तुम वहाँ का मैनेजर को फोन करके पूछो थे, हम तुम्हारे 5 बजे वहाँ से आया। मैं अग्यारी में जाकर फ्यूनरल की तैयारी करता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। बच्चों को कुछ मत बताना। अब तक तो प्रेस में सब कुछ छप चुका होगा, उन्हें पता भी लग गया होगा, पढ़ लिया होगा उन्होंने सब कुछ। तुम अपना ध्यान रखना, मैं वहाँ जाके इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है? पहुँचते ही फोन करना। इन्वेस्टिगेशन का बागान बड़ा था और खाली था। शक की सुई हर दिशा में घूम रही थी। पुलिस कोई एंगल नहीं छोड़ रही थी। हर लीड को फॉलो किया जा रहा था। हर खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया था। दिनशा जोड़े के इस कत्ल ने ना सिर्फ उस इलाके में बल्कि पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। इस इलाके में पारसी समुदाय के कई सीनियर सिटीजन अकेले रहते थे, जिनके अलग अलग बागान थे, पुराने बिजनेसेस थे। वो सभी इस हत्याकांड से बुरी तरह से आतंकित हुए थे। प्रसाद होश में आ, बेटा है बेटा तेरा। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। शांत हो जा, शांत हो जा। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट दोनों है साहब। सर, मर्डर की रात सारा के पति के काफ़ी फ़ोन कॉल्स थे, पर सभी उसके बिजनेस को लेकर मुंबई में किए गए थे और किसी भी सस्पेक्ट के फ़ोन रिकॉर्ड से कुछ भी नहीं मिला। हाँ, फरजाद के फ़ोन को ट्रैकिंग पे डाल दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लगभग वही कहती है जो हमने सोचा था। मेलिसा की मौत शाम को लगभग 7 बजे गला कटने की वजह से, फिर सीधे 7:30 बजे फरजाद को उन्हीं की वॉकिंग स्टिक से पीट पीट कर मार दिया गया। मौत का कारण? सर पर चोट। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी किसी तरह इशारा नहीं कर रही। मर्डर वेपन पर, खाने की प्लेट पर, वाइन के ग्लास पर, वॉकिंग स्टिक पर, हर जगह एक ही आदमी के फिंगरप्रिंट्स जो हमारे किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं करते। प्रकाश, किलर कोई एक ही आदमी है। किलर ने वहां खाना भी खाया, वाइन भी पी, सोफे पर उसके बाल और स्किन के ट्रेसेस, मतलब वहां सोया भी। सर, हो सकता है मेलिसा और फरजाद का कोई जानने वाला हो जिसे उन्होंने खाना और वाइन ऑफर की हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किलर ने मर्डर करने के बाद खाना खाया हो, फिर वाइन पी हो और फिर वहीं चुपचाप सो गया हो और सुबह उषा के आने से पहले वहाँ से निकल गया। तिजोरी भी तोड़ी नहीं गई है, उसे चाबी से खोला गया है। उसको मालूम होगा कि चाबी कहाँ रखी जाती है, तो शायद उषा को पता नहीं। सर, होना हो ये कोई घर का आदमी लगता है, लेकिन कौन हो सकता है? ये जो भी है, लेकिन जूतों का बड़ा शौकीन है।
अरे विष्णु भाई, अरे अरे विशाल कैसे मजे? हाँ एकदम मजे, पर वो दीनशाह बंगले का सुनकर दो दिन से अजीब सा लग रहा है। बहुत बुरा वो लोग के साथ। मैंने ही पुलिस को फोन किया। विष्णु भाई आप मुझे पुलिस के पास लेके जा सकते? क्यों रे, तेरे को कुछ मालूम है इस केस के बारे में? हाँ शायद। अरे बोल ना, बोल, डर मत, बोल। साहब मर्डर वाले दिन वो दीनशाह मैडम की जो नौकरानी ना उषा, उषा ने मुझे बंगले पर बुलवाया था। काय झालं उषा, एकदम अर्जंट में बुलाया? चल बताती हूँ। अरे विशाल वहाँ घर में नहीं, यहाँ बाग में काम है। बाग में? हाँ चलो। कल रात अचानक पावर गायब हुई। अच्छा हुआ दिकरा तुमने इन्वर्टर कन्वर्टर बिठाया था, तुरंत पावर आ गई। मैडम जी आपका पावर ऑफ नहीं हुआ था, ऑफ कराया गया था। ये देखिए मैडम, ये वायर काटे यहाँ से किसी ने। क्या बात करता है, कौन काटेगा? तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये यहाँ से किसी ने ऐसी वायर काटी है। पर विशाल यहाँ पर आकर वायर वायर कौन काटेगा अभी? अरे उषा गाँव का कोई शरारती बच्चा होगा। लेकिन विशाल जल्दी जल्दी करना। हाँ मैडम जी थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है लेकिन जल्दी करना। उषा चल घर में बहुत काम है, चल चल चलिए जल्दी आवी जा। मैंने वायर जोड़ दिया और जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ मैंने उसे देखा। हे कौन है तिकड़े? अर्थाम अभी रुक। मुझे लगा कि कोई खोबरा वोबरा चुराने आए होंगे या ऐसे ही कोई होगा, मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे स्केच आर्टिस्ट को उसका हुलिया बता पाओगे? हाँ सर ट्राई करूंगा। फाइनली पुलिस को एक लीड मिली थी। इस बात का अंदेशा हुआ था कि इस मर्डर और चोरी की प्लानिंग पहले से की गई थी। ये बात बिल्कुल साफ थी कि हत्यारे को पहले से पता था कि घर का इलेक्ट्रिक बॉक्स कहां पर है, जैसे कि उसे यह पता था कि तिजोरी की चाबी कहां पर थी। कौन था यह हत्यारा जिसे जूतों का शौक था और क्या थी इस हत्याकांड की असली कहानी? कटी थी और मैंने इसे ज्वाइन कर दी। उषा ये बात तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सब सब वो याद नहीं रहा, इतना ध्यान ही नहीं दिया था। अब जो हम तुम्हें दिखाएंगे उसे ध्यान से देख, जो छुपा है वो अपने आप बाहर आ। इसे पहचानती हो उषा? मेरे को नहीं मालूम साहब। ध्यान से देखो शायद कुछ याद आ जाए। नहीं नहीं साहब, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने शायद इसे देखा इंस्पेक्टर, ये चेहरे पर निशान ये वही है, ये गिरीश है, हमारे केयरटेकर का लड़का गिरीश प्रसाद। उषा के यहाँ आने से पहले हमारे केयरटेकर हरि प्रसाद हुआ करते थे, ये गिरीश उन्हीं का लड़का है। उषा को यहाँ 14 साल होने को आया ना? हाँ जी। दीदी इस हरि प्रसाद के बारे में मैंने सुना था, वो तो मर गए ना। इस गिरीश ने ही उन्हें मार डाला समझो। रोज रोज समझाते समझाते थक गया हूँ, समझने का नाम ही नहीं देता है, है? ऐसा क्यों करता है रे तू? अरे नहीं 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 नहीं, मेरा नाम शुगर वाली जैसे। अच्छा बेटा बेटा रूसी का पप्पा क्या बोला तेरे को? एक ही बात समझाते समझाते थक गया, चल चल। हरि प्रसाद क्या हुआ इसको? मैडम इसका कुछ नहीं हो सकता, आप इसे स्कूल में पढ़ाती हैं ताकि ये जानवर से इंसान बन जाए और ये वहाँ सबको शैतान बनाने पे तुला है। अरे एक मिनट हरी, इतना बच्चे को मारता है हा? इसने किया क्या है? अच्छा तू रेंडे तू बताओ
क्या किया है तुमने? साहब, चार दिन से स्कूल नहीं गया ये। क्यों? गिरीश? गिरीश, ले बिस्कुट, ले शूज भेजी है पूना से, बहुत टेस्टी है। अब बता स्कूल क्यों नहीं गया? वार वार तू तू रहा दे, हाँ कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम। अरे तू बता क्या प्रॉब्लम, क्या है बता। साहब, अपने स्कूल के चार बच्चों के साथ ये जुआ खेलने गया था। जय खुड़ाई, गिरीश तू जुआ खेलता है? क्यों खेलता है डिकरा, क्यों खेलता है बता ना, क्यों? पैसा, ये गधेरा, जुआ का पैसा पैसा नहीं होता है, बर्बादी होता है, बर्बादी। साहब ये बात समझा समझा के हम थक गए, लेकिन ये कुछ समझता ही नहीं है। हम इसको बार बार कहते हैं साहब कि भलाई की रोटी बुराई की जलेबी से भली होती है। साहब रोज मेरी जेब से कुछ ना कुछ चुराता रहता है। आप लोग माई बाप हैं, आप लोगों से कहाँ छुपाना। गिरीश दिकरा, तुझे पैसा क्यों चाहिए? और जो भी कुछ चाहिए अपने बाबा से मांगता, मुझसे मांगता, मैं दे देती तुझे। बोल क्या चाहिए तुझे? नहीं बोलूंगा, नहीं चाहिए तुम लोगों की मेहरबानी। अरे प्रसाद, हाथ मत उठाना, बच्चा है। गिरीश, गिरीश दिकरा आया, गिरीश। सर, मेरे मम्मा पापा और हरि प्रसाद ने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, पर वो और बिगड़ता गया। गिरीश की माँ, उसका कोई भाई बहन? कोई नहीं था सर, और गिरीश की माँ तो उसके बर्थ के बाद ही चल बसी थी। आप उस वक्त यहीं रहती थी? नहीं सर, मैं मुंबई में अपनी कॉलेज की हॉस्टल में रहती थी, और कॉलेज की छुट्टियों में मैं जब भी मुंबई से इधर आती तो गिरीश का कोई ना कोई इंसिडेंट जरूर होता था, ऑलवेज। ये देखो, लगता है यहाँ पे कोई बंदर आया था, कांचा खेलने वाला बंदर। लूट के लिए 10 रुपए रखे थे, वो भी लेके गया। लेकिन मम्मा, उसके पापा को बताना मत। उसके पापा को बताना पड़ेगा, बच्चे अब नहीं सुधरेंगे ना तो कभी नहीं सुधरेंगे, और उसके जिम्मेदार सिर्फ हम होंगे, सिर्फ हम। कोने में बैठ, चुपचाप उधर। आप लोग घर जाइए, 2-4 घंटे बाद मैं खुद उसे घर छोड़ दूंगा, थोड़ा डर जाएगा तो सुधर जाएगा। हरि, मुझे नहीं लगता आइडिया अच्छा है। मैडम, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो मेरा बेटा है, मेरा सब कुछ है, लेकिन गलत रास्ता पकड़ लिया है।
चल तेरी जमानत हो गई। दिनों मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी और गिरीश ने 1000 रुपए चुराए थे। हरी ने खुद परेशान होकर उसे पकड़वाया था पर मम्मा ने बेल करवा दी और दूसरे ही दिन गिरीश ने घर से 2000 रुपए अलमारी खोलकर चुराए। चल 2000 निकाल। कौन से 2000? जो हमारे लॉकर में थे। मैडम आप हर चीज का इल्जाम ना मुझ पर मत ही लगाओ। और कोई नहीं मिला क्या आपको बकरा बनाने के लिए? बकरा तो तुम्हें शैतान बना रहा है, हर पल दिल दिमाग में गंदगी भर रहा है। आपका दिल साफ है ना? मुबारक हो आपको, सोने दो ना मेरे को। 1 महीना जेल में बिठाए, चैन नहीं मिला आपको? गिरीश, हरे हाथ नहीं उठाना। हरे प्रसाद, क्या किया ये? क्यों किया? हरे छोड़ छोड़, हाथ नहीं उठाना, खोड़ाई की कसम है तुम्हें। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? हरिप्रसाद का घाव तो भर चुका था पर वो पूरी तरह से टूट गया था। उसने गिरीश को घर से निकाल दिया। देवी ले जा, हो जाए यहां से। चला, कभी भी गलती से भी तुम्हें ईमानदारी का रोग लगेगा चले आना मेरे पास, बैठा के इलाज करूंगा तेरा। दफा हो जा, अपना बेईमान चेहरा कभी मुझे मत दिखाना, समझ लेना। तूने जीते जी अपने पाप को मार डाला। और डालो साल। हरिप्रसाद बीमार हो गया और वो अपने गांव यूपी चला गया। Within 6 months he was no more. Massive heart attack. Instant death. और गिरीश की कोई खबर? No idea sir. उसी साल मेरी शादी हो गई और हम लोग तो कनाडा सेटल हो गए थे, बस 4 साल पहले ही लौटे। उषा, मेरी सहेली फरजाद ने 14 सालों में हरिया गिरीश का कोई जिक्र किया? मैम साहब कभी कभी हरिप्रसाद के बारे में बात करती थी कि वो कितने अच्छे आदमी थे वगैरह वगैरह, लेकिन गिरीश के बारे में कभी कुछ नहीं। हाँ साहब, एक बार कुछ बोली थी। वाह, प्रॉन्स करी बनाई, बहुत अच्छी। लेकिन बहुत ज्यादा बनाया निकरा, इतना हम खा नहीं पाए। तुम्हें काम करना, जितना बचे ना घर लेके जाना बच्चा लोग के। अरे नको साहब, रोज रोज लाड़ करूंगी ना तो बिगड़ जाएंगे। अरे उषा, बच्चों को प्यार से बिगाड़ना चाहिए, स्टिक ठोकर सुधारने बैठे ना तो। अरे मेम साहब, मेरे बच्चे नहीं बिगड़ेंगे मालूम मेरे को, जरा भी चर्बी दिखाते है ना तो मैं कान के नीचे 2 रख देती हूँ। उषा, बच्चों को मारना नहीं। हरे प्रसाद भी बहुत मारता था गिरीश को, कुछ फायदा नहीं हुआ। और हम लोग
उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। बहुत दुख होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ था साहब? कुछ नहीं। हरिप्रसाद के यूपी वाले गांव का एड्रेस होगा आप लोगों के पास? नो आइडिया सर, मैं तो यहाँ रहती भी नहीं थी। साहब मैं देखती हूँ, मैम साहब की एक एड्रेस वाली डायरी थी, उसमें जरूर होगा। एक मिनट। हाँ मिल गया, पर सर व्हाट इज द पॉइंट? हरिप्रसाद को गुजरे हुए 14 साल हुए और गिरीश जैसे लड़के का उसके गांव में बसना चांसेस आर वेरी लेस। अगर गिरीश तक पहुंचने का 1% चांस भी होगा ना, तो मैं वो चांस जरूर लेना चाहूंगा मिस्टर श्रॉफ, क्योंकि गिरीश सिर्फ आपके पेरेंट्स की हत्या का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो उन तमाम सीनियर सिटीजन में दहशत फैलाने का जिम्मेदार भी है जो अकेले रहते हैं और खौफ के मारे अपनी जिंदगी ठीक से जी नहीं पाते। पुलिस टीम यूपी पहुंची, लेकिन सायरा श्रॉफ का शक सही निकला। पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि 14 सालों में वो गांव भी गुजर चुका था और एक नए कस्बे की शक्ल में उसका पुनर्जन्म हुआ था और हरि प्रसाद या उसकी फैमिली का नामो निशान मिट चुका था। गिरीश प्रसाद कहां था? क्या 14 सालों में उसका भी नया जन्म हुआ था? पुलिस को पक्का यकीन था कि ये चोरी और डबल मर्डर गिरीश प्रसाद ने किया है, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी ऐसा लग रहा था कि गिरीश प्रसाद का भी नामो निशान मिट चुका है। सर, फरजाद दिनशाह के फोन का IMA नंबर ट्रैक हो गया, वडोदरा गुजरात लोकेशन दिखा रहा है। सेल नंबर ट्रैक हुआ? सर पिछले 5 दिनों में 4 बार ही नंबर चेंज हो चुका है, लेकिन नाम और एड्रेस एक ही दिखा रहा है। श्रीमित ढेडिया। नाम और एड्रेस दोनों नकली है? यस सर। एक ऑप्शन है, थोड़ा लंबा है लेकिन ट्राई कर सकते हैं, क्यों ना हम वडोदरा जाकर हर नंबर के कॉल रिकॉर्ड निकालें और हर नंबर को ट्रैकिंग पे डाल दें, शायद कुछ हाथ लग जाए। एक शॉर्टकट है, रुका है पर ट्राई करते हैं। क्या सर? कत्ल की रात किलर ने फरजाद के सेल फोन से उसका सिम कार्ड निकालकर तोड़कर फेंक दिया, तो जाहिर सी बात है उस फोन में उसने अपना सिम कार्ड डाला होगा। हो सकता है। कत्ल की रात किलर ने वहां काफी समय बिताया, खाना खाया, वाइन पी, शायद टीवी भी देखा, और हो सकता है इस दौरान उसने कोई फोन भी किया। करेक्ट। प्रकाश तुम एक काम करो, दृश्य बंगलों के आसपास जितने भी सेल फोन टावर्स हैं उस रात की सबकी ट्रैफिक रिपोर्ट करो और पता करो कि उस इंस्ट्रूमेंट से कोई कॉल किया गया है या नहीं। चांस लेते हैं, हो सकता है अपनी बात बन जाए। हाय सर, खूनी का कुछ पता लगा? एनी न्यू डेवलपमेंट? पुलिस गिरीश तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है, आई एम श्योर वो उसे पकड़ लेगी। और वो श्योर है कि गिरीश ने ही किया, कोई और गैंग तो नहीं? उनका तो पता नहीं, बट आई एम वेरी श्योर। मुझे उस लड़के की आंखें याद है, क्रेजी। सर, 3 नवंबर को रात को 2 बजे फरजाद का फोन दिलशो बंगलों में और उसके फोन से वडोदरा कॉल किया गया, किसी कामरान से। ये तमें कौन? काबरान पुलिस इंस्पेक्टर विश्वास दलवी बोल रहा हूँ महाराष्ट्र पुलिस। पुलिस? क्या बात है साहब? काबरान 3 नवंबर की सुबह लगभग 2 बजे तुम्हें कोई कॉल आया था? मतलब रात को 2 बजे? 3 नवंबर को मेरे जीजा का फोन आया था साहब। रात के 2 बजे ऐसी कौन सी अर्जेंट बात कर? बच्ची की तबीयत की बात अर्जेंट ही होती है ना साहब। क्या मतलब? वो साहब मेरी बहन की एक बच्ची है सर, राबिया, उसका फिसलकर पैर टूट गया साहब, डॉक्टर बोला तगड़ा खर्चा आएगा, तो अपना जीजा अपने को फोन किया और बोला कि पैसों का इंतजाम हो गया है। बस इतनी सी बात थी? हाँ साहब। कमरन वैसे तुम्हारे जीजा करते क्या? मारूफ भाई फैक्ट्री में काम करते हैं सर। क्या नाम बताया जीजा का? मारूफ हैदर। क्या बात है साहब? कमरन अपने जीजा का एड्रेस बोला और गलती से भी अपने जीजा को यह मत बोला कि मैंने कॉल किया।
अगर तू बोला तो समझ ले तू मरे। चल एड्रेस बोल। 16/25 फाइव मोहल्ला तीसरी गली के बगल वाली छोटी गली। सर अब तक हम गिरीश प्रसाद को पकड़ कर चल रहे हैं, लेकिन ये मारूफ हैदर कौन है? कहीं गिरीश का कोई साथीदार तो नहीं? अगर दो आदमी होते तो कम से कम दो आदमी होने का एक सुराग तो मिलता। फिंगर प्रिंट्स बाकी सब कुछ एक ही सस्पेक्ट होने का इशारा करता है, और वो है गिरीश प्रसाद। मारूफ से मिलने के बाद ही पता चलेगा कि असल माजरा है। सुबह नाश्ता नहीं किया और अब कहती है रोटियां भी नहीं चाहिए, और आप इसके लिए जलेबियां ले आए? और लाड करो शहजादी का मारूफ मियां। सुबह नाश्ता नहीं किया और अब कहती है रोटियां भी नहीं चाहिए, और आप इसके लिए जलेबियां ले आए? और लाड करो शहजादी का मारूफ मियां। अबू दो ना। आओ आके ले लो। ले जाओगे ना अबू? नहीं गिरोगे बेटा, डॉक्टर अंकल ने क्या कहा था? कितना चले गया उतनी जल्दी ठीक हो जाओ। आओ आके ले लो। आ जाओ। रापिया ध्यान से। कौसर क्या कर रही हो, चलने दो उसे। पागल हो तुम, गिर गई तो इतना खर्चा करके ये चीज बिठाई है, लेने के देने पर जाएंगे। ये चीज इसीलिए बिठाई है कि वो चले, बैठे नहीं, नहीं गिरेगी। मैं हूं ना। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, ध्यान से आ जाओ, संभाल के आ जाओ, आ जाओ। और वहां उरन में सारा श्रॉफ कहती है कि ये पक्का गिरीश प्रसाद है। अच्छा मारूफ हैदर का यहाँ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, हमने चेक किया, मारूफ हैदर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। और गिरीश प्रसाद का चेक करना पड़ेगा। वैसे गिरीश प्रसाद रहता कहाँ है, इसका कोई आइडिया है आपको? नहीं। कब में तुम्हारी बहन और चीजा कहाँ रहते हैं? पहले गांधी मार्ग के पीछे रोज गार्डन के पास रहते थे साहब, साल भर हुआ उन्होंने वही मोहल्ला शिफ्ट किया है साहब। भाईजान सलाम। मारूफ भाई कहाँ हैं? वो तो बाहर गए हैं। क्यों, क्या हुआ? गिरीश प्रसाद कहाँ है कौसर? इतने सालों बाद। गिरीश प्रसाद और मारूफ हैदर के बीच क्या कनेक्शन था, क्या कंफ्यूजन था? मेलिसा और फरजाद के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन टीम को महाराष्ट्र से वडोदरा गुजरात ले आई। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर यह लगभग तय था कि ये भयंकर हत्याकांड गिरीश प्रसाद ने किया है या फिर मारूफ हैदर ने, या दोनों ने मिलकर किया है, या हकीकत कुछ और ही थी। मारूफ हैदर और गिरीश प्रसाद एक ही आदमी है। क्या बात कर रही हो कौसर? ये हमारे और मारूफ के निकाह से पहले की बात है, जब हम दोनों पहली बार मिले थे 2005 में। उस वक्त मारूफ ही गिरीश था, गिरीश प्रसाद। गिरीश, हमारा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा मत बोलो यार, हम दोनों मेहनत कर रहे हैं ना, आगे चल के हम लोग लोन ले लेंगे, खूब मेहनत करेंगे, अपनी दुकान बनाएंगे और अपने बच्चों को भी अपना काम सिखाएंगे।
गिरीश बच्चे निकाह के बाद होते हैं और हमारा निकाह कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमारे अब्बू और अम्मी हमारा निकाह कभी भी किसी गिरीश प्रसाद से नहीं होने देंगे। तो ठीक है, किसी गिरीश प्रसाद से शादी मत करना। मारूफ नाम कैसा है? मारूफ? हाँ, मारूफ हैदर, मारूफ सैयद, जो कुछ भी बोलो, मैं मुसलमान नहीं हूँ भैया। तुम हमारे लिए अपना मजहब बदलोगे? तुम्हारे घर वालों को बुरा लगेगा ना? मेरा कोई घर और घर वाले नहीं है कौसर, मेरा बस एक ही रिश्तेदार है, वो तुम हो। और मैं तुमको इसलिए नहीं खोना चाहता यार कि मेरा नाम गिरीश प्रसाद है। और हमने कभी भी अपने अब्बू अम्मी और कामरान भाई को ये नहीं बताया कि वो निकाह से पहले गिरीश हुआ करते थे। इससे पहले कहाँ रहते थे? रोज गार्डन के पास। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था साहब, हम दोनों दुकान में काम किया करते थे, फिर राबिया पैदा हुई, उसके बाद सेठ ने दुकान बंद कर दी, हम दोनों बेकार हो गए साहब। वहाँ से यहाँ क्यों? पैसों की तंगी थी साहब, किराए के लिए पैसे नहीं थे। फिर यहाँ कर मारुफ ने एक रेस्टोरेंट में नौकरी पकड़ ली, एक वेटर की नौकरी। कौन सा रेस्टोरेंट? रहनुमा रेस्टोरेंट, गांधी मार्ग के पीछे ही। लेकिन साहब वहाँ पे उसने एक गलत काम किया। चोरी? कसम खाओ आगे से चाहे जो हो जाए, लेकिन तुम दोबारा कभी चोरी नहीं करोगे? नहीं करूंगा कौसर, मजबूरी में की थी, आगे से नहीं करूंगा। हमने कहा कसम खाओ। कसम? राबिया की कसम खाओ। अरे हम कह रहे हैं ना आगे से चोरी नहीं करेंगे। हमने कहा राबिया की कसम खाओ। राबिया की कसम नहीं करेंगे। जेल से छूटने के बाद हमें उस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं लगा, किराया भी ज़्यादा था, हम लोग यहीं आ गए। फिर मारूफ घर से थोड़ा बहुत काम किया करता था। मारूफ जल्दी चलो, राबिया क्या हुआ राबिया को? राबिया सिमरन की छत से गिर गई है। क्या बोले डॉक्टर? ऑपरेशन का माफ कर दिया डॉक्टर साहब ने, पर वो बोले कि ब्रास लगाने का होगा, ऑपरेशन के बाद उसका 27,000 खर्चा आएगा। पैसे सर? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे मारूफ भाई? मेरे पास ले दे के 5,000 हैं बस। राबिया की जिंदगी का सवाल है कामरान, पैसे तो आकर रहे। दर्द हो रहा है? घबरा मत मेरी जान, अब सब ठीक कर देंगे। मारूफ सलीम भाई को तो पहले से 9,000 रुपए देने, और अम्मी और अब्बू के ऐसे हालात नहीं कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकूं। कामरान भाई 5,000 देने की बात कर रहे थे, लेकिन बाकी किसी से मांगने की जरूरत नहीं, पैसे आ जाएंगे। मारूफ कहाँ जा रहे हो? इतनी सुबह सुबह जा कहाँ रहे हो तुम? मैं अपने अतीत से मिलने जा रहा हूँ ताकि हमारा भविष्य बदल सके। क्या मतलब? मैं कल तक लौटू। कब की बात है? साहब आज हो गया 10 नवंबर और ये 29 अक्टूबर को अस्पताल से वापस आई थी। मारूफ 30 की सुबह निकला था और 3 तारीख को वापस आ गया था। कांड हुआ था 2 की रात को। कांड? कैसा कांड साहब? कामरान 3 की सुबह 2:15 बजे मारूफ ने तुम्हें कॉल किया था। जी किया था सर। मारूफ ने लौटने के बाद क्या किया? वो पैसे लेकर आया था और कहाँ से आए? मेरे कुछ रिश्तेदार उन्होंने दिए, तेरे लिए संभाल के रख। हाँ और ये देख
ये इनसे राबिया की टांग का प्रास भी आएगा, अपना एक साल का किराया भी होगा और अपना छोटू ये भी प्राइवेट क्लिनिक में पैदा होगा। ये कौन से रिश्तेदार हैं? तुमने तो कभी जिक्र नहीं किया। दूर के कोई खून का रिश्ता है। कौसर, मारूफ ने सारे रिश्तों का खून किया है। नहीं साहब, आपको जो कहना है राबिया के सामने ही कही, आपके हाथ जोड़ते साहब, हमें सब सच सच बता दीजिए। गिरीश ने इन गहनों के अलावा तुम्हें कुछ कैश भी दिया था? बस गहने ही दिए थे, रोकड़ा तो उन्हीं के पास रहता है। हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। एक मिनट साहब, ये भी लिया था साहब राबिया के लिए, उस ब्रेस के अलावा, लेकिन हमें हराम की कमाई नहीं चाहिए इस घर में, आप ही रख लीजिए साहब। माफी चाहता हूँ इस हालत में तुम्हें परेशान करने के लिए। प्रकाश, हो जाओ शुरू। सर, गरीबी में अगर एक इंसान जुर्म को जायज समझता है तो एक ऐसा गरीब भी है जो ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझता है। आरोपी मारूफ की पत्नी कौसर एक ऐसी गरीब इंसान थी जिसे अपनी गरिमा और खुददारी सबसे ज्यादा प्यारी थी, और शायद यही मारूफ के लिए सबसे बड़ी सजा थी। पुलिस को मारूफ के घर की तलाशी से कुछ नहीं मिला, लेकिन यह बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि गिरीश प्रसाद उर्फ मारूफ हैदर ने ही मलीसा और फरजाद का कत्ल किया था और उनके घर को लूटा था। यह केस अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा था। सर, सारा का मैसेज, उसे कहना है कि गहने उसकी माँ के ही हैं और तस्वीर में वो आदमी भी गिरीश ही है। आपके जितने भी खबरी हैं सबको काम पर लगा दीजिए, ये मारूफ मुझे जल्द से जल्द चाहिए। जैसे ही आपका स्केच हमें मिला, हमने सारे खबरियों को काम पर लगा दिया। बोलो राजपूत। ठीक है, लीजिए आगे गुड न्यूज। और स्पीकर पे डालो। मारूफ, बात कर। हेलो मारूफ। हाँ को सर, बोल। पकड़े गए हो? हाँ पकड़ा गया, लेकिन तू फिक्र मत कर। अब किस बात की? हमें तो फिक्र थी कि तुम पकड़े नहीं जाओगे। कौसर, तुम हमारा, राबिया का और हमारे आने वाले बच्चे का चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। मैंने जो कुछ किया तुम लोगों के लिए किया, समझी? तुमने हमारे लिए जो किया वो जिंदगी भर के लिए काफी है। जानना चाहते तुमने हमारे लिए क्या किया? लो सुनो, आप मेरे अब्बू नहीं हो, गंदे हो आप। नहीं, चल हो जा शुरू। अब जो भी सच है वो जल्दी से बता दे, नहीं तो खून के आंसू रोएगा, इस बात की मेरी गारंटी। साहब, मैं खुद के लिए जिंदगी में बहुत लाचार हुआ था,
राबिया के लिए नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं यहां औरन आया। पूरे 14 साल के बाद। इन 14 सालों में तू पहले यहां कभी नहीं आया? नहीं आया साहब, कि 14 साल तक औरन मेरे अंदर था, वहां का बगान मेरे अंदर था, वहां की यादें मेरे अंदर थी। हर एक दिन, एक एक जगह, वहां का चप्पा चप्पा मुझे याद था। मेरा प्लान था कि मैं एक रात वहां छुपकर मुआयना करूंगा और फिर दूसरी रात को घर में जाकर पैसे लूटूंगा। मैडम ज्यादा बदली नहीं थी, उसके साथ शायद नौकरानी थी। पहले साहब हमेशा मैडम के साथ चलता था, मेरे को लगा शायद साहब बाहर गया है या फिर बीमार होएगा या शायद मर गया होएगा। साहब अपाहिज हो गया था, देखकर अच्छा लगा, मेरा काम और भी आसान होने वाला था। नौकरानी शाम को चली जाती थी और उसके बाद बुढ़ा बुढ़ी अकेले होने वाले थे। बचपन में कई बार इलेक्ट्रिक बॉक्स को खुला देखा था मैं, मालूम था कौन सा तार काटने का है। लाइट को क्या हुआ? जरा जानी जानी जरा फ्यूज बॉक्स जानी। मेरा प्लान था सीधे बेडरूम में जाऊंगा, मेरे को मालूम था मैडम चाहत की तरफ, खोल कर फटाफट जो मिलेगा ले लूंगा और भाग जाऊंगा। उस रात तो बागान में ही सोया? हाँ सर, लेकिन दूसरे दिन साला वो इलेक्ट्रिशियन भी आ गया। ए, कोड़े तिकड़े? अर्थाम, अबे रुक। फिर मैं सोचा लाइट वाइट गई तेल लेने, मैं सीधा अंदर घुस जाएगा और फिर जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो तू उस रात वहां कत्ल करने के इरादे से ही गया था? नहीं साहब, आप लोग यकीन करो या ना करो, उस वक्त मेरा मर्डर करने का कोई दिल नहीं था, मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए था। लेकिन उस मैडम को देखा तो मेरा फ्यूज उड़ गया, इधर 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 कोई तार कट गया मेरे दिमाग के अंदर और मैं कौन है? गिरीश टिकरा, गिरीश टिकरा, किधर था इतने दिन तू? किधर था इतने साल? अंदर चल, आजा, आजा अंदर आजा। बस अभी ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है बेटा। उनके सामने क्यों मारा? कोई भी काम छुप कर करना अच्छी बात नहीं है, और तुमने तो चोरी की, चोरी ऐसा काहे किया? मुझे नए जूते चाहिए थे, बाकी के पैसे मैंने जुए में कमा लिए थे। मुझे सिर्फ 10 रुपए चाहिए थे, सिर्फ 10 रुपए। गिरीश टिकरा, कुछ चाहिए था तो अपने बाबा से मांगता, मुझसे मांगता। मांगना अच्छा नहीं लगता मुझे, गंदा लगता है। चोरी करना अच्छा लगता है? सिर्फ 10 रुपए चुराए थे मैंने। बेटा 10 रुपया हो या 1 रुपया हो, चोरी चोरी होती है। बोल, आइंदा से ऐसा काम नहीं करेगा? झूठ बोलना चोरी है?
बिल्कुल, तो आप क्यों झूठ बोलती हो? तमीज। कोई झूठ सफेद झूठ होता है दिकरा, जिसमें किसी का नुकसान नहीं होता। मेरी चोरी भी सफेद चोरी थी, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। असली चोर तो आप सभी अमीर लोग हो। तमीज। दिकरा तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? आओ अंदर आओ नी, आजा। अभी जा दिकरा, अभी जा, खुश हो जाएगा अंकल, अभी जा। अभी जा दिकरा, शर्माता क्यों है? अभी जा। मैडम का चेन, बाली और अंगूठी सब लूट लिया था मैं। अब घर लूटना था और साहब को जिंदा रखने का कोई मतलब ही नहीं था। मेरा किस्मत मेरे को तोहफा दे रहा है साहब, एकदम स्पेशल तोहफा साहब। इन्हीं नए जूतों के लिए किसी जमाने में मैं कितना मार खाया था, और उस दिन वो जूते मेरे को बैठे बिठाए मिल रहे थे बिना मांगे। साहब, साहब। तो बेचारे बूढ़े लोगों को मारकर तूने उन्हीं के हाथ में पार्टी मनाई? नहीं साहब, मैं वहां से भाग गया था, लेकिन स्टेशन जाने के लिए एक भी ऑटो नहीं मिला मेरे को। मेरे को मालूम था सुबह 4 बजे ऑटो वाले अपनी गाड़ी निकालेंगे, सोचा तब तक सो लेता हूँ। लेकिन 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं था, बहुत भूख लगी थी साहब। बात है, इतनी रात पे सब खैरियत से तो है? मैं तेरे को इसके लिए फोन किया कि मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है, तेरे 5,000 की जरूरत नहीं है मेरे को। मेलिसा के कान और उंगली भी काटे थे। उसको मैं ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तुझे इस बात का रत्ती भर अफसोस नहीं है कि तूने 2 बूढ़े लोगों की जान ली, वो भी बेरहमी से? सिर्फ 5-10 रुपयों के लिए मेरे बाबा को लोग पट्टी पढ़ाते थे। मेरा बाबा मेरे को पीटता था, उनका वजह से मेरे को मेरा घर छोड़ना पड़ा, मेरा बाबा छूट गया, मेरी जिंदगी खराब हो गई। नफरत करता था मैं उनसे, मेरे को कोई अफसोस नहीं है। और तुझे इस बात का अफसोस भी नहीं है कि जितनी नफरत तू मेलिसा और फरजाद से करता था, अब तेरी बीवी और तेरी बच्ची वो भी तुझसे उतनी ही नफरत करे? सौरभ,
ऋषि मारूफ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गहने और पायल आपको कोर्ट से मिलेंगे। कैश जितना रिकवर हम कर सकते हैं कर लेंगे, लेकिन 27,000 रुपये उसने बच्ची के इलाज में खर्च कर दिए। सर हमें इलाज में खर्च किए गए पैसे नहीं चाहिए, और वो पायल भी आप उस बच्ची को ही लौटा दीजिएगा। ठीक है। क्या बोला उसने? मम्मा पापा को क्यों मारा? बचपन का गुस्सा था सारा जी, और मुझे लगता है लालच गुस्से से भड़का। ये पायल उधर से रिटर्न आई है, बोले आप रख लो। गिरीश प्रसाद उर्फ मारूफ हैदर को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 397 और 460 के तहत चोरी और डकैती के लिए बुक किया गया है। फिलहाल गिरीश जुडिशियल कस्टडी में है और इस केस का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। इस केस ने एक बार फिर से देश के महानगरों में अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजंस पर संगीन अटैक की सीरियस प्रॉब्लम को उजागर किया है। हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष के नीचे की है, और देश की 30% आबादी दिन में 50 रुपए से कम कमाती है, और दूसरी ओर शहरी भारत में सैलरी बूम चल रहा है, कीमतें आसमान छू रही हैं, लोगों का लाइफस्टाइल अंतरिक्ष को चीर रहा है। इस आर्थिक असमानता के ज्वालामुखी में जुर्म के लावे का उमड़ना अपेक्षित है, लेकिन इन आंकड़ों के परे एक मूलभूत सच्चाई है जमीर की, इंसानियत की, जिसे किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बिठाया नहीं जा सकता। अगर गरीबी ने गिरीश को हैवानियत की तरफ धकेला, तो उसी गरीबी से जूझ रही उसकी पत्नी कौशल, बेटी राबिया, दिनशा बंगलों में काम करने वाली उषा और खुद गिरीश का पिता हरिप्रसाद, इन सभी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईमानदारी, इंसानियत और स्वाभिमान का प्रमाण दिया। अक्सर विकृत लालच और आलस को छुपाने के लिए गरीबी और अत्याचार को बहाना बनाया जाता है। इसे बचपन में ही बहुत जल्दी पहचानने और सुधारने की जरूरत होती है, पर इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हर बच्चा अलग है। गिरीश के साथ हिंसा की बजाय शायद स्नेह और ममता काम कर जाती है, लेकिन हम लोग भावनाओं के भरोसे नहीं रह सकते। सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आज की जरूरत बन गई है, और ये समस्या हम में से हर किसी को कभी ना कभी सताने वाली है, इसलिए सतर्क रहने में ही समझदारी है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।